नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीरा देवी, खबर लहरिया से ब्यूरो चीफ। मेरे सो राजनीति रसराय में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, पंचायत चुनाव या यूं कहें त्रिस्तरीय चुनाव की तैयारियां खलबली पूरी तरह से सोशल मीडिया में साफ तौर पर देखी जा सकती है। अब चुनाव का कार्यक्रम और आरक्षण की कुछ हद तक सूची भी आ गई है। बहुत जल्द ही चुनाव प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जहां प्रशासन एक तरफ इस चुनाव को अच्छे तरह से कराने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है, तो वहीं पर पार्टियां इस चुनाव को जीतने के लिए काफ़ी पहले से रणनीतियां शुरू कर चुकी थीं और अब पूरी तरह से तैयार हैं चुनावी जंग में उतरने के लिए। तो अब बारी आती है मतदाताओं की, वो भी पूरी तरह से तैयार हैं अपनी भड़ास निकालने के लिए, भले ही वो बाद में दारू मुर्गा चूड़ी और साड़ी के बल पर जा कर के वोट कर दें। मंडलायुक्त, DM, SP सब अपने स्तर पर चुनावों को पूरी तरह से सक्सेस कराने के लिए लोगों के बीच, अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच मीटिंग्स कर करके ये समझा रहे हैं कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू होते ही सभी अधिकारी और कर्मचारी जिनको चुनाव की जिम्मेदारी दी गई हैं वो पूरी ईमानदारी के साथ काम में जुट जाएं और इस चुनाव को सक्सेस कराने में अहम भूमिका निभाएं और किसी भी तरह की लापरवाही या हीला हवाली उनको बर्दाश्त नहीं है, वरना सख्त से सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। तो आइए बात कर लेते हैं पार्टियों की, किस तरह से उन्होंने चुनाव मैदान में उतरने के लिए अपनी तैयारियां और रणनीतियां शुरू की, जिनको सोशल मीडिया में खूब शेयर किया गया और ये काम खूब वायरल भी हुआ। शुरू करते हैं बीजेपी पार्टी से। बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जा कर के केंद्र सरकार की योजनाओं को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम की खूब अच्छाइयाँ बताई। तो वहीं पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी गांव-गांव जा कर के चौपाले लगा कर के और जो इस समय मुद्दा चल रहा है किसान आंदोलन का, उसको लेकर के अपने पार्टी की और अपने नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं उनकी अच्छाइयों को खूब गिनाया और खूब अच्छाइयां बटोरी, खूब लोगों से उनके प्रति एक तरह का झुकाव भी पाया। तो इसी तरह से अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी जा कर के जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में अरविंद केजरीवाल, उनकी अच्छाइयों को खूब गिनाया और बताया कि पार्टी कितने अच्छे से काम कर रही है, तो क्यों नहीं उनका झुकाव इस पार्टी की तरफ होना चाहिए। इसी तरह से कांग्रेस ने तो एक अलग ही ढंग से काम किया कि लोगों के बीच जा कर के मिले, तो अच्छाइयाँ तो खूब गिनाई लेकिन साथ में कैलेंडर भी खूब बांटे ताकि और अच्छे से प्रचार प्रसार हो और जो कांग्रेस पार्टी की अच्छाइयाँ हैं उन पर बखूबी खूब प्रचार किया। तो इसी तरह से अगर हम बसपा की बात करें, तो उन्होंने भी, इस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी गांव-गांव में जा कर के लोगों के साथ मिल कर के बैठ कर के चौपाले लगा कर के जो इस पार्टी की मुख्य नेता हैं जिनको दलितों का मसीहा भी कहा गया है, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के कार्यकाल के समय की अच्छाइयों को खूब गिनाया और खूब ये कहा कि अगर वो पार्टी आती है तो किस तरह से गांवों का विकास, लोगों का हित होगा। तो इस तरह से पार्टियों ने खूब तैयारियां की। अब देखते हैं कि इसका नतीजा क्या होने वाला है। आइए अब कुछ आंकड़ों पर नज़र डालते हैं, देखते हैं कि आखिरकार जो चुनाव का समीकरण है वो किस तरह से है और क्या कहता है।
अगर बांदा जिले की बात की जाए तो त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के निर्वाचन के लिए कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 469 है, मतदान केंद्रों की संख्या 971 है, तो वहीं मतदान स्थलों की संख्या 2025 है। कुल सदस्य ग्राम पंचायतों की संख्या 750 है और कुल सदस्य जिला पंचायत के वार्डों की संख्या 30 है। आपको बता दूं कि जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए बांदा सीट ओबीसी और हमीरपुर सीट ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है, तो वहीं चित्रकूट और महोबा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुई हैं। इसी तरह से बांदा जिले में ब्लॉक प्रमुख आरक्षण की सूची के अनुसार बड़ोखर सामान्य, बिसंडा सामान्य, महुआ अनुसूचित जाति, नरेनी पिछड़ा वर्ग, बबेरू पिछड़ा वर्ग और महिला, तिंदवारी सामान्य महिला, जसपुरा अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित की गई हैं। ग्राम पंचायत और वार्ड सदस्यों के आरक्षित सीटों की सूची बहुत लंबी है और मतलब कि ये अभी प्रकाशित भी नहीं हुई है, इसमें आने में टाइम है, शायद मार्च में ये आने वाली है। तो इस तरह से पूरा कार्यक्रम है चुनाव का। अपनी कवरेज के दौरान मैंने ये पाया कि लोग किस किस तरह की बातें कर रहे हैं पंचायत चुनाव को लेकर के। लोग बहुत नाराज़ हैं, बहुत गुस्से में हैं। लोगों का कहना है कि पिछली पंचवर्षीय भले बीत गई है लेकिन बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनमें आज तक वो वादे पूरे नहीं किए गए जो चुनाव के दौरान किए गए थे। प्रधान 5 साल राज करते रहे लेकिन उस गांव का भला नहीं हो सका। और हमारी कवरेज का अनुभव ये बताता है कि बहुत ऐसे गांव हैं जो इंटीरियर हैं, जो मुख्यालय से बहुत दूर हैं, उन गांवों में या फिर आसपास के भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, मजरे हैं, जो विकास के लिए आज भी तरस रहे हैं। यहाँ समस्या हमारे यहाँ है कि प्रधान जो है हमारे यहाँ न रोड बनवाया है, न आरसीसी रोड नहीं बनी हुई है, न तो नाली बनी हुई है, उसके साथ साथ कोई सुनाई नहीं है। जाए तो बोलते हैं कि जाइए विधायक के पास, जाइए वहाँ, जाइए सचिव के पास जाइए, यही बोलते हैं। हमारे स्कूल का जो है इंटरलॉकिंग नहीं हुआ है और न कोई काम हुआ है, रोड संपर्क रोड नहीं है। यहाँ की आबादी कितनी है? यहाँ की आबादी 450 है। कतक समस्या के पानी भर जाता है, माने पानी में रेंगता है, कोई सुनाई नहीं बोर्ड भर का कि हमारे यहाँ पब्लिक है, मैंने बोर्ड भर दे थे बस हो ही गया, अब कुछ सुनाई न कॉलोनी न संचालन न कुछ सुनाई नहीं है, न सब इसी तरह है। कभी आप लोग आवाज उठाएं? का भाव नहीं मैंने वैसे आवा थे, जो अधिकारी लोग तुमने बोला थे, आधे बोलते हैं आधे नहीं बोलते हैं जिसको आते हैं। मान लो क्या क्या वादा करते हैं लोग? अरे चुनाव से नहीं बोलता है कि कॉलोनी बनवा देंगे, तुम्हारा घर पक्का रहेंगे, एक एक घर में एक एक पक्का रहेंगे, मड़ाई झोपड़ी में नहीं रहेंगे, ऐसे से बोलते हैं लोग। ये भी बात कर रहे हैं कि जो इस बारी कुछ नए नियम लागू हुए हैं पंचायती चुनाव के, वो ये कि अब इस बारी के चुनाव में ज़्यादातर यूथ ही आने वाला है और जो बार बार चुनाव लड़ते थे शायद उनको मौका ना मिल पाए, क्योंकि इस बारी कुछ एज और पढ़ाई का भी एज रखा गया है। तो अगर ये यूथ आया तो लोगों की बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं कि शायद अगर ये यूथ और जो नई जनरेशन के लोग हैं, यूथ हैं, वो आएंगे, शायद गांव का अच्छा विकास हो, इसलिए भी लोग थोड़ा से खुश हैं। और बहुत सारे लोग नाराज भी हैं, उनका कहना है कि ये एक जो मौका मिलता था वो शायद मौका अब नहीं मिलेगा। बहुत सारे हो सकता है कि लोग पढ़े नहीं हैं लेकिन कढ़े हैं,
जो पढ़े नहीं हैं लेकिन बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, अनुभवी हैं, शायद है महिलाओं को कम मौका मिल पाए पढ़ाई को लेकर के, तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। बहुत सारे गांव में विकास जो नहीं हो पाया है, अब उनसे ये उम्मीद की जा रही है कि अगर हो सकता है ये यूथ जनरेशन आई तो गांव का क्या विकास होगा। बहुत सारे ये सवाल कर रहे हैं लोग, उम्मीद भी लगाए हुए बैठे हैं। तो साथियों, इन्हीं विचारों और सवालों के साथ मैं लेती हूँ विदा। अगली बारी में फिर आऊँगी एक नए मुद्दे के साथ। लेकिन जाने से पहले आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बारी हमारे चैनल पर ये स्टोरियाँ या ये शो मेरा देख रहे हैं, तो अभी जा कर के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये शो और इस शो का मुद्दा आपको कैसे लगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो भी आप भेज सकते हैं और सवालों के जवाब भी हमारे एक शो में दिए जाते हैं, तो हो सकता है कि आपका नाम इस बारी आ जाए, तो आप ज़रूर से बताइएगा कमेंट करके। तो अभी के लिए बस इतना ही, चलती हूँ, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।